सरकार जहां एक ओर बच्चों की शिक्षा पर जोर दे रही है तो वहीं दूसरी ओर स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील को लेकर हर रोज कोई न कोई मामला सामने आता रहता है। ऐसा ही एक मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से आया है, जहां मिलावटी सामान से बना मध्यान्ह भोजन यानी कि मिड डे मील खाने से करीब 2 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग के शिकार इन सभी बच्चों को पकड़ी दयाल के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के बाद सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़ी दयाल प्रखंड क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय सिसनी कन्या में खराब भोजन खाने से रसोईया सहित करीब 2 दर्जन बच्चे बीमार पड़ गए। खाना पहले हम टेस्ट किए हैं ना, तो मोबाइल जैसे हो मोबाइल नहीं होता है, वैसे महका है या एक बार सनाक छीन लगा। उसके बाद में हम गए हैं तो नवल को दरोगा मंडल को हम खाना दिए हैं, तो कहे वो मार साहब ये खाना चोखा नहीं सही है, ऐसे सनाक छीन लगा है। जब तक मैं उधर से आया तो ज्योत नारायण को हम खाना दिए हैं, और उसके बाद में 5-7 गो लड़का का इधर खाना परसा गया था। तो फर्स्ट में हम खा कर या बाल्टी धोकर जब वहाँ गए तो उल्टी होने लगा। उसके बाद में इनका पोता का पारस ठाकुर का लड़का का उल्टी हुआ। उसके बाद में हमारे एक रसोईया है राजू, उसको उल्टी हुआ। उसके बाद में 4-5 वो लड़का का उल्टी हुआ है। तो ये सब लड़का सब सुरक्षित रह गया है, बाकी हम गए हैं तो एक बोतल पानी चढ़वाया। हमारा शरीर बहुत नाच रहा था, देह नाच रहा था। स्कूल में पता चला है उसे फोन गया हुआ था कि बच्चे लोग मतलब वोमिटिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद आने के बाद में बच्चे लोगों से पूछे हैं तो बोले हैं कि खाना जो बनता है ना उसमें मसाला में और उसके बाद में तेल में कुछ कमी पाया गया है, जिसके चलते मतलब इस प्रकार की घटना घटी है। स्कूल में 8-10 लड़का को वोमिटिंग टाइप का हुआ है, जिसको मतलब सुरक्षित रखा गया है। कुछ लोगों को ऐसा बच्चे को कुछ तकलीफ हुआ है, उसको यहाँ स्थानीय मतलब पकड़ दिया सरकारी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करने के लिए भेजा गया। ग्रामीणों की ओर से सूचना देने पर पकड़ी दयाल एसडीओ कुमार रविंद्र ने सभी बच्चों को एम्बुलेंस से अनुमंडलीय अस्पताल पकड़ी दयाल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने बीमार बच्चों का इलाज किया। बताया जा रहा है कि विद्यालय में मिड डे मील में बने खाने को खाने के बाद बच्चों ने पेट में अचानक दर्द, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत की, जिसकी जानकारी होते ही शिक्षक स्कूल छोड़ फरार हो गए। मध्याह्न भोजन खाने के उपरांत ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई। उसी क्रम में यहाँ से चिकित्सक वगैरह को भेज करके बच्चों को यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुलाया गया अनुमंडलीय अस्पताल में, जिनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर बोस इलाज कर रहे हैं, उनका कहना है कि सभी बच्चे की स्थिति ठीक है और इलाज करके उनको ठीक करा दिया जाए। चिकित्सक और ANM को सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। आप देख रहे होंगे रसोईया का कहना है कि खाना बनाते समय तेल में संभवतः कुछ गड़बड़ी थी। मैंने पूर्व में ही प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को विद्यालय में जांच हेतु भेजा है। जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे रसोईया हो, चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो जहाँ से वो सामान आया है। अगर गलत तेल, गलत सामग्री जिस दुकानदार ने भी दिया होगा उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, और बच्चों को सारी सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही है। सभी बच्चे ठीक हैं, चिकित्सक का कहना है कि इलाज बेहतर तरीके से किया जा रहा है। सिसानी मध्य विद्यालय का यह घटना है। आज 1 बजे के आसपास यह घटना हुई है, जहां पे बच्चों ने MDM खाया था। खाने के बाद उनको पेट दर्द और उल्टी की शिकायत मिली थी। तत्पश्चात चिकित्सक को भेजा गया था, चिकित्सक की उपस्थिति में सबका इलाज कराया गया। मिड डे मील के नाम पर प्रशासन की ओर से बच्चों को खाना तो दिया जा रहा है, लेकिन खाने के साथ उसमें मिलावटी सामग्री का भी धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो वहीं देखना है कि आखिर प्रशासन की नींद कब खुलती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से राजीव रंजन की रिपोर्ट।